के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ गर्दनी बाग में ही शिक्षक लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, ये जानकारी है आपको? कहाँ है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी छुट्टी पर है। अच्छा, आप कौन है? बार बार धमकी देते हैं, मतलब उनकी जगह, उनकी जगह भाई हमको बात करने दीजिए ना, उनकी जगह आप ही है ना यार, बड़ी है, उनकी जगह आप ही है ना ड्यूटी पर अभी? धनंजय कुमार है। हाँ नहीं, आप धनंजय कुमार है, पर आप ही है ना अभी ड्यूटी पे धनंजय जी? नहीं, हम राजीव कुमार हैं सर, धनंजय कुमार है। अच्छा धनंजय, अच्छा आप राजीव हैं, ठीक है राजीव जी। धनंजय जी से हमारी बात हो सकती है क्या? करवा दीजिए, हमको दे दीजिए, धन्यवाद। धनंजय जी का नंबर लेके हमारी बात कराइए। हमारी मदद क्यों? नहीं 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 सर, ये सब क्या हुआ था सर, ये बिना मुझे बिना अनुमति के क्रिकेट टीम को बैठने की तो लगातार दिया ही जा रहा है, लेकिन ये सब कारगिल चौक चले गए, उसके कारण नोएडा का प्रॉब्लम बनाया था। पर ये लोग यहाँ पर अगर बैठे हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, पंडाल लगा के यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ 10 दिन बैठे, 15 दिन बैठे, कोई नहीं। नहीं भाई, हम लोग तो दुआ करते हैं कि इतना दिन नहीं बैठना पड़े, 2-4 दिन में हम लोग की मांग सुन ली जाए। आप ही यही दुआ कीजिए कि जल्दी हम लोग की मांग पूरी हो जाए, ठीक है? तो हम लोग ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बस देखिएगा, किसी को दिक्कत नहीं हो, शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और वो रखने का अधिकार है, ठीक है? कहीं पे कुछ गलत होगा तो हम खुद भी बोलेंगे, पर यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग बैठे हैं तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? ठीक, प्रणाम प्रणाम।